ऋतिक रोशन फॉर मी इज एन एक्टर जिन्होंने बहुत सारे रिस्क लिए हैं। उन्होंने हमेशा अपनी फिल्म्स के थ्रू कुछ नया दिखाने की कोशिश की है। आई फील ऋतिक इज अ वेरी सीरियस एक्टर हु मेक्स श्योर दैट हिज फिल्म्स एड सम वैल्यू टू द वर्ल्ड और एटलीस्ट सम वैल्यू इन द लाइफ ऑफ सिनेफाइल्स। माय नेम इज विशाल और इस वीडियो में आपको ऋतिक रोशन के करियर की उन फिल्म्स के बारे में बात करूंगा जो बहुत अंडर अप्रिशिएटेड हैं या तो फिर जिनमें ऋतिक की परफॉर्मेंसेस को उतना स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। दिस इज गोइंग टू बी अ वीडियो अबाउट लॉट ऑफ ट्रूथ बॉम्ब्स, सो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखना। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। नंबर 7, काबिल। एज अ फिल्म काबिल मुझे काफी ओकेश फिल्म लगती है, बट ऋतिक की परफॉर्मेंस उनके करियर की इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट थी। मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक एक्टिंग के इतने स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हम एक टाइम के बाद ना भूल ही जाते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस किसी फिल्म में कितनी अमेजिंग थी। आप इस फिल्म की परफॉर्मेंस को थोड़ा एनालाइज करो। एक ब्लाइंड कैरेक्टर है जिसको उन्होंने बहुत ही कन्विंसिंगली स्क्रीन पे बिलीवेबल बनाया। इसके बाद जो उनका कैरेक्टर रिवेंज लेता है वो भी उसकी ब्लाइंडनेस के हिसाब से बिलीवेबल लगता है। ऐसा कैरेक्टर अगर शाहरुख या आमिर करते हैं तो आपको पता है कि कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है उसकी, बट सिंस ये ऋतिक ने किया था तो वी आर लाइक ओके ऋतिक से, क्योंकि यही एक्सपेक्ट किया जाता है। इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि जो काबिल में उनकी परफॉर्मेंस थी उसको और भी प्रेज मिलनी चाहिए थी। डेफिनेटली ऋतिक की वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी और ऐसे कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे जस्टिफाई करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तमाशा आप लोगों ने देखा, खत्म मैं करूंगा। नंबर 6, मिशन कश्मीर। यंगस्टर ऋतिक रोशन की फिल्म यू कैन से। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे पता चला था कि ऋतिक एज एन एक्टर अपने करियर के स्टार्ट से ही किस तरह की फिल्म चॉइसेस रखते थे। उस टाइम के बॉलीवुड में रोमांस फिल्म्स काफी पीक पे थी और ऋतिक ने भी अपना डेब्यू उसी तरह की फिल्म से किया था जिसके बाद ही बिकेम अ सेंसेशन। बट आप ये नोटिस करो कि कौन सा एक्टर अपनी दूसरी तीसरी फिल्म ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे करता है। ऋतिक रोशन डिड मिशन कश्मीर विच रिवॉल्व अराउंड द पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। आज लोग इस फिल्म को भूल ही चुके हैं पर ऋतिक की फिल्मोग्राफी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है। मजहब के नाम पर जिंदगी के बदले मौत बांटने के लिए। नंबर 5, अग्निपथ। ओके, अग्निपथ मस्ट बी पॉपुलर राइट नाउ इन पॉप कल्चर, बट 2012 में जब एक्शन सिनेमा बॉलीवुड में रिवाइव हो रहा था तो आपने देखा होगा कि सलमान खान की ज्यादातर फिल्म साउथ की रीमेक्स थी और एक तरफ जॉन इब्राहिम की फिल्म्स कुछ मेन स्ट्रीम एक्शन फिल्म्स थी। पर उसी फेज में ऋतिक डिड अ हार्डकोर ब्लड शेडिंग फिल्म लाइक अग्निपथ। आई फील कि उस टाइम की सेंसिबिलिटीज के हिसाब से अग्निपथ वॉज मच सुपीरियर और किसी भी एक्टर ने इस तरह की थीम को एक एक्शन फिल्म में पोर्ट्रे नहीं किया था। आज के टाइम पे तो ऐसी स्टोरीज कॉमन है बट 2012 के लिए अग्निपथ वॉज अ यूनिक कमर्शियल फिल्म। नंबर 4, काइट्स। इस फिल्म को लेकर डेफिनेटली मिक्स फीलिंग्स हो सकती हैं बट आई थिंक दिस फिल्म इज क्रिटिसाइज्ड वे टू मच। मेरे ओपिनियन में ये बहुत डिसेंट फिल्म थी एंड आई ऑनेस्टली एंजॉयड इट। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, फिल्म की स्टोरी लाइन दैट वाज मोर बेस्ड ऑन अ रोमांस एडवेंचर थीम। आई रियली फील कि इस फिल्म को थोड़ा और अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था। जिसने भी काइट्स देखी है, लाइक ढंग से देखी है, दे वुड नो दैट इट वॉज नॉट अ बैड फिल्म एट ऑल। और ऋतिक का इस तरह की एक इंटरनेशनल थीम्ड फिल्म करना ये हमें दिखाता है कि उनकी फिल्म चॉइसेस कितनी यूनिक है। Además me seduciste. Sí te diste cuenta de eso, ¿no? I don't understand what you're saying. You kiss me. You don't like it? Number 3, Super 30. बहुत लोग शायद भूल गए हैं कि ऋतिक ने अपना कमबैक इसी फिल्म से किया था। आई फील ऑडियंस डोंट रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग ऋतिक्स परफॉर्मेंस वॉज इन सुपर 30। पहले तो कोई ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऋतिक का कैरेक्टर बिहार से होगा और वो इस कैरेक्टर को अच्छे से पुल ऑफ कर भी पाएंगे कि नहीं। उसके बाद उस कैरेक्टर का एक्सेंट, उन्होंने वो भी एक बॉलीवुड फिल्म के हिसाब से तो काफी अच्छा किया था। सुपर 30 के कुछ महीने बाद ही वॉर रिलीज हुई थी और वॉर की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि ऐसे लगता है कि लोग सुपर 30 को भूल ही गए हैं। बट आई थिंक सुपर 30 को क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि ऋतिक को उसने एक अनइमेजिनेबल कैरेक्टर में दिखाया था। नंबर 2, लक्ष्य। जो भी मॉडर्न सिनेफाइल्स आप देखते हो उनके लिए लुटेरा एक अंडररेटेड फिल्म है जिसको मास्टरपीस माना जाता है। लक्ष्य वॉज बेसिकली दैट फॉर द लास्ट डेकेड ऑफ सिनेफाइल्स। इतनी आउटस्टैंडिंग स्टोरी थी इस फिल्म की जहां ऋतिक ने अपने कैरेक्टर के थ्रू हमें दो डिफरेंट साइड्स दिखाई थी। बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म थी ये और ऋतिक की परफॉर्मेंस भी इसमें काफी स्ट्रांग थी। अगर मैं पर्सनल लाइफ रिलेटेड एक स्टोरी बताऊं तो मेरे दो फ्रेंड्स लक्ष्य मूवी को देखने के बाद ही आर्मी के लिए इंस्पायर हुए थे। ऑल द मेकर्स डिजर्व क्रेडिट फॉर मेकिंग सच अ वैल्यूएबल फिल्म।
मुझे ऐसा लगता है कि आज भी पॉपुलर होने के बाद भी ये फिल्म काफी अंडररेटेड है। रोमी, तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं, अब है। नंबर वन पे जो फिल्म है वो है गुजारिश। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी हिंदी फिल्म में मैं यूथनेशिया के बारे में सुनूंगा या यूथनेशिया फिल्म का एक इम्पोर्टेंट प्लॉट पॉइंट होगा। गुजारिश में ऋतिक रोशन प्लेज अ कैरेक्टर हु इज पैरालाइज्ड एंड ही वांट्स टू एंड हिज लाइफ। काफी मॉर्बिड वाइब की फिल्म थी। एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म वॉज डार्क येट सो ब्यूटिफुल। आई डोंट थिंक एनीवन कुड हैव पुल्ड दिस कैरेक्टर लाइक ऋतिक डिड। डेफिनेटली ये उनके करियर की सबसे अंडर अप्रिशिएटेड फिल्म है एंड कूडोस टू हिम कि उन्होंने इस तरह की स्टोरी पे बिलीव किया। दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट गुजारिश ऑन नंबर वन। लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, पर दिल से जियो तो बहुत है। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी वो ऋतिक रोशन की फिल्म्स जो मेरे ओपिनियन में अंडर अप्रिशिएटेड हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके लिए ऋतिक की मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड फिल्म कौन सी है। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फिल्म कंपेनियन लोकल फॉर मोर वीडियोज लाइक दीज।